सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड बाय स्ट्रेंजर अपडेट के एपिसोड नंबर 85 में आप सभी का स्वागत है, जिधर हम लोग बात करते हैं जो वीकली अपडेट निकल कर आती है मूवीज एंड सीरीज की। एंड इस बार भी बहुत ज्यादा धमाकेदार अपडेट साथ लगी है, तो प्लीज हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें अपडेट नंबर 1 की, तो निकल कर आ रही है अवतार द वे ऑफ वाटर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। अब देखो भाई, 13 ईयर्स के बाद जेम्स कैमरन अपनी मूवी अवतार 2 को रिलीज कर रहे हैं थिएटर्स में, तो एक्सपेक्टेशन इस मूवी से काफी ज्यादा है। एंड अभी करंटली जो रिपोर्ट्स आई हैं, प्लस जिस तरीके की एडवांस बुकिंग इस मूवी की वर्ल्ड वाइड हो रखी है इंक्लूडिंग इंडिया, तो बताया जा रहा है कि मूवी आप लोग को अपने पहले वीकेंड पर ही $525 मिलियन के ऊपर का कलेक्शन करती हुई देखने को मिलेगी। एंड अगर मूवी ने ऐसा कलेक्शन कर लिया अपने पहले वीकेंड पे, देन आराम से मूवी आप लोग को 1 बिलियन का मार्क तो अचीव करती हुई देखने को मिल जाएगी एंड आराम से मूवी प्रॉफिट में भी चली जाएगी। एंड इस मूवी से एक्सपेक्टेशन भी कुछ इसी तरीके की है। एंड आई थिंक जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, तो उससे पहले मैंने अवतार का रिव्यू भी कर दिया होगा, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो के बाद उसको भी चेकआउट कर सकते हो। आप में से कितने लोगों ने इस मूवी को थिएटर में देख लिया है, उसको भी आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। सो बात करें अपडेट नंबर 2 की, तो भाई ये बहुत तगड़ी सैड न्यूज है उन फैंस लोग के लिए जो लोग भाई हेनरी कैविल के मैन ऑफ स्टील के सेकंड पार्ट का वेट कर रहे थे, बिकॉज ब्लैक एडम के अंदर एक कंफर्मेशन ही मिली थी कि हम लोग को आगे चल के मैन ऑफ स्टील का सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग को लीड रोल में अपने हेनरी कैविल देखने को मिलेंगे। बट अभी रिसेंटली हम लोग को एक बहुत ही सैड न्यूज मिली है, जिसमें हेनरी कैविल ने खुद ही इस चीज को कंफर्म करा है, क्योंकि जेम्स गन के साथ एक मीटिंग हुई थी जहां पे ये डिसाइड करा गया है कि उनका जो मैन ऑफ स्टील का प्रोजेक्ट था उसको अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, मतलब कि अब आप लोग को मैन ऑफ स्टील का सेकंड पार्ट देखने को नहीं मिलने वाला है एंड हेनरी कैविल का भी रिटर्न आप लोग को एज अ सुपरमैन देखने को नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद से भाई फैंस लोग के भी काफी तगड़े रिएक्शंस आने स्टार्ट हो गए थे। मैंने अपने चैनल के इंस्टाग्राम पे भी एक पोस्ट शेयर करी थी, एंड अगर आप लोगों ने चैनल के इंस्टाग्राम को फॉलो करा होगा तो उधर आप लोग को ये सारे अपडेट पहले मिल जाते हैं, तो आप लोग उधर जाकर इसको फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो उधर भी भाई काफी सारे कमेंट मेरे को ऐसे आए थे जहां पे लोगों ने ऐसा बोला था कि इसी वजह से डीसी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो देखो, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो डीसी के पुराने प्रोजेक्ट्स थे। अभी करंटली जेम्स गन को एक कमान मिली हुई है जहां पे वो 10 साल के आगे का जो अपना प्रोजेक्ट है उसको लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को मल्टीपल मूवीज देखने को मिलेंगी। एंड जेम्स गन सर ने खुद ही ये चीज कंफर्म करी कि हाँ, उनको भाई जो सुपरमैन की ओरिजिन वाली स्टोरी दिखानी थी, जिसकी वजह से वो हेनरी कैविल को फिर से कास्ट नहीं कर सकते थे, आप लोगों को कोई दूसरा एक्टर ही देखने को मिलेगा। एंड जो आप लोग को नई सुपरमैन की मूवी देखने को मिलेगी वो अभी करंटली राइटिंग प्रोसेस में है, ऐसा अभी करंटली जेम्स गन सर ने कंफर्म करा है। एंड उनके अकॉर्डिंग उनका भी इस मूवी के अंदर काफी तगड़ा इनपुट होने वाला है, तो अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई किस तरीके की स्टोरी हम लोग को जो डीसी का नया फेज स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर प्रेजेंट करी जाती है। बिकॉज बताया जा रहा है कि जैसे आप लोग को एमसीयू का एक फेज देखने को मिलता था, उसी तरीके से इस मूवी से डीसी का एक नया फेज स्टार्ट करा जाएगा। एंड इससे पहले जो आप लोग को डीसी की मूवीज देखने को मिली थी, जिसके अंदर वंडर वुमन, एक्वामैन एंड जो बैटमैन का मूवी भी देखने को मिला था, उन सबको एकदम ही अलग रखा जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि जो एक्वामैन 2 होने वाली है वो भाई जेसन मोमोआ की लास्ट मूवी होगी, एंड उसी के साथ ही वंडर वुमन के अगले पार्ट को तो कैंसिल कर ही दिया गया है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो बैटमैन का प्रोजेक्ट है क्या उसको भी लाइक सेकंड पार्ट के बाद कैंसिल करा जाता है, या फिर आप लोग को कुछ अलग ही लाइक डीसी की स्ट्रेटेजी इसके अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि भाई डीसी है वो कुछ भी कर सकता है। एंड ऑडियंस इसी वजह से डीसी को अभी करंटली इंडिया के अंदर थोड़ा कम फॉलो करती है, बिकॉज उनको खुद ही नहीं पता होता है कि आगे डीसी क्या डिसीजन लेगा। सो बात करें अपडेट नंबर 3 की, तो निकल कर आ रही है भाई वेंसडे सीरीज के ऊपर। अब देखो भाई, आप सभी को पता है कि इस सीरीज को जब नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज करा गया था, उसके कुछ दिन बाद ही सीरीज वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करना स्टार्ट कर दी थी। एंड अभी करंटली आप लोग को इसके काफी सारे रील्स भी देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज सीरीज ही कुछ उसी लेवल की बनाई गई थी। एंड बिकॉज ऑफ की मूवी ने अच्छा परफॉर्म करा है, इसी वजह से इसने व्यूज के मामले में भी सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया है। करंटली जो जेफ्री डैमर की सीरीज आई थी, उसके व्यूज के रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए ये नेटफ्लिक्स की सेकंड सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज बन चुकी है। एंड अभी करंटली 3 हफ्ते के अंदर ही मूवी ने 1 बिलियन वॉच आवर्स को भी कंप्लीट कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा नंबर होता है। सो मूव करें अपडेट नंबर 4 पर, तो निकल कर आ रही है ड्यून मूवी के सेकंड पार्ट को लेकर। अगर आप लोग को नहीं पता, तो ड्यून मूवी के सेकंड पार्ट की शूटिंग करंटली चल रही थी एंड अभी उसको रैप कर लिया गया है। कुछ बिहाइंड द सीन्स फोटोज प्लस अभी कंफर्मेशन भी आ चुकी है, जिससे ये चीज पता चल जाती है कि अब सीरीज अपने पोस्ट प्रोडक्शन वर्क में जाने वाली है। सीरीज का पोस्ट प्रोडक्शन काफी लंबा चलेगा एंड इसकी जो रिलीज है आप लोग को 2023 के नवंबर के मंथ में देखने को मिलेगी। सो अभी करंटली इस मूवी के सेकंड पार्ट को रिलीज होने में तो काफी लंबा टाइम है, लेकिन भाई मैं बेसब्री से इसके सेकंड पार्ट का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसका पहला पार्ट देखने में भाई मजा आ गया था। एंड अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि पार्ट 2 में हम लोग को कैसी स्टोरी प्रेजेंट करी जाती है। सो बात करें अपडेट नंबर 5 की, तो निकल कर आ रही भाई मनी हाइस्ट की बर्लिन सीरीज, या फिर जिसको फैंस लोग मनी हाइस्ट का सीजन 6 बोलते हैं उसके ऊपर। अब देखो, मैंने आप लोग को पिछली वीडियोस में बता रखा है कि बहुत सारे फैंस लोग चाहते हैं कि इसके अंदर आप लोग को प्रोफेसर का कैमियो या फिर उनका रोल देखने को मिल जाए। तो रिसेंटली कुछ र्यूमर्स ने चीज कंफर्म करी कि आप लोग को प्रोफेसर के कुछ सीन्स इस सीरीज के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और वो शायद मे बी आप लोग को फ्लैशबैक वाले सीन्स देखने को मिले, या फिर शायद प्रोफेसर का एक नया शूट आप लोग को देखने को मिल जाए। लेकिन यस, बताया तो ऐसा जा रहा है कि आप लोग को इस शो के अंदर अपने प्रोफेसर का भी जो कमबैक है वो देखने को मिल सकता है। मे बी उनका बहुत ज्यादा रोल आप लोग को देखने को ना मिले, बिकॉज सीरीज बर्लिन के ऊपर ही फोकस करने वाली है। सो मे बी इस शो की इंडिया में या फिर और कंट्रीज में थोड़ी हाइप बनाने के लिए, प्लस ऑडियंस के बीच में हल्का
हल्का सा क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए आप लोग को लाइक प्रोफेसर का सीन्स देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अभी रिसेंटली कुछ पिक्चर्स के थ्रू भी इस चीज को टीज करा गया था, तो आगे इसके ऊपर जो भी नई अपडेट्स होंगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बट यस, एज ऑफ नाउ तो इसके ऊपर यही अपडेट हाथ लगी है। आप लोग बताना कितने लोग बर्लिन के सीरीज का वेट कर रहे हो, बिकॉज आगे इसके ऊपर कुछ और भी डिटेल्स हैं जो कि मैं आप लोग को आने वाले टाइम में एक सेपरेट वीडियो बनाकर भी बता दूंगा। एज ऑफ नाउ इस बार की स्ट्रेंज अपडेट वाली वीडियो में बस इतना ही। होप करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। छोटी मोटी अपडेट्स के लिए आप लोग भाई चैनल इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।